राजस्थान के करौली जिले से निकलने वाली भद्रावती नदी, यह नदी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वे किसानों के लिए पानी मुहैया कराती थी। यह नदी आज गंदगी का अवसर बन रही है। चलते हैं भद्रावती नदी पर और देखते हैं किसानों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। भद्रावती नदी के पास रहने वाले 30-40 परिवार गंदे पानी से अनाज पैदा करते हैं। गंदे पानी से अनाज पैदा होने से अनेक तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। वह अनाज में पौष्टिकता नहीं रहती है। क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं सब्जियों को? बीमारियां साबन सरफ सबको गंदगी आ रही है, तो नौजवानों को तो उनके फसल नहीं हो सके। हम वहाँ के रहने वाले किसानों को बताना है कि एक बीघा जमीन में 40 क्विंटल अनाज पैदा होता था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि एक बीघा जमीन में 10 क्विंटल अनाज पैदा है। उसका कारण है गंदा पानी। इसके कारण क्या आपकी फसल पे क्या क्या और नुकसान होते हैं? जैसे अपन फसल हुई तो फसल में जैसे अपन सब्जी वगैरह करी तो सब्जी वगैरह में कीड़ा लग जाता है पानी से। यह सारा गंदा पानी सिटी के अंदर से जाता है। इसके कारण सब्जियों में, अनाज में, सभी में कीड़े लग जाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी पे काफ़ी फर्क आता है। आज हमारे खेतों पर नदी की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक अब भी हमारे खेत बंजर हैं, लेकिन और भी आने वाले समय में खेती बंजर रहेगी और एक दिन हमारे खेत घरों को मकानों को छोड़कर जाना पड़ेगा। करौली शहर से जाने वाला गंदा पानी भद्रावती नदी में ना जाकर कहीं और जाना चाहिए, जिससे बरसात के दिनों में आने वाला शुद्ध पानी भद्रावती नदी में रुक सके, वे कुओं का स्रोत बढ़ सके, वह मेरे समुदाय के लोगों को शुद्ध व पौष्टिक अनाज मिल सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।